हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज फिर से हमारे पास एक इन्वेटर आया है, SED Z900 साइन वेव इन्वेटर है। इसमें दिक्कत आई है तो हम इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हमने बैटरी वाली वायर लगा ली है। बैटरी वाली वायर लगाने के बाद में इसका तुरंत ही फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चल गया। आगे से हमने इसको ऑन किया, ऑन करने पर आगे ये बटन वाली इंडिकेशन तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो हमने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर से हमने माइनस वाली पिन को माइनस पे लगा दिया, प्लस वाली पिन को प्लस पे लगाया। तो इस पर हमने चेक किया तो 7.42 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब हमारी माइक्रो आईसी इसकी चली गई है, क्योंकि ज़्यादातर है माइक्रो आईसी जाने के, ये देख लो माइक्रो आईसी इसकी चली गई है। यहाँ पर 0.75 वोल्ट आ रहे हैं, इसकी माइक्रो आईसी चली गई है। अब इसकी माइक्रो आईसी हम चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले इसके अंदर ये यहाँ पे एक प्रीसेट लगा होता है 1K का, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वोल्ट को रेगुलेटर करता है जो यहाँ पे 5 वोल्ट लाता है। तो पहले इसका हम ये 1K का प्रीसेट चेंज करेंगे। अभी ये हमारे पास सेम 1K का प्रीसेट पड़ा है, तो हम इसको अभी लगाएंगे। अभी इसकी हम PCB खोल रहे हैं। इसको हम PCB को बाहर निकालेंगे। इसकी PCB को हम नॉर्मल बाहर निकाल लिए। अभी इसका प्रीसेट चेंज करेंगे। अभी सोल्डरिंग पंप से इसका सोल्डर बाहर निकालेंगे। फिर इसके अंदर जैसे प्रीसेट लगा था वैसे का वैसा प्रीसेट हम इसके अंदर वापस लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। हमने यहाँ से अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया और यहाँ से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद में हम इसको पाँच वोल्ट चेक करने से पहले इसके अंदर से हमें माइक्रो आईसी को बाहर निकालना होगा। पहले इसको हम स्क्रू ड्राइवर के साथ से आईसी को बाहर निकालें। अभी इसके अंदर हमने 5 वोल्ट चेक करनी है। 5 वोल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बैटरी पे वायर लगानी होगी। और माइनस पे बैटरी वायर लगाएंगे। और अभी इसके हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। अभी ये 5 वोल्ट आने लग गए हैं परफेक्ट तरीके से। अभी इसको हमें पूरा 5 वोल्ट करना होगा। पूरा 5 वोल्ट करने के लिए इसको प्रीसेट को हमें आगे फ्रंट की तरफ घुमाना होगा धीरे धीरे। फाइव वोल्ट कर दिए। अभी हमें आईसी की एक नंबर पिन पे वोल्ट चेक करते हैं, 4.99। यहाँ पे भी 4.99 आने लग गए, यहाँ पे भी 5.00 वोल्ट आने लगे। अभी इसकी हमने माइक्रो आईसी डालेंगे नई, तो इससे पहले हमें इसको पहले इसका बैटरी का करंट
कम करना होगा। अभी सबसे पहले हमें बैटरी का वायर हटा के बैटरी को प्लस माइनस अपश्री में टच करना होगा, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे कंडेंसर लगे होते हैं वो इसमें वोल्टेज रहते हैं। तो अभी इसमें हमें माइक्रो आईसी वोल्टेज निकालने के बाद में लगानी होगी, नई माइक्रो आईसी निकालते हैं वो लगाते हैं। अभी माइक्रो आईसी अभी हमने निकाल ली, अभी इसके अंदर लगाएंगे। इसका लगाने का एक तरीका होता है, इसके अंदर आगे की निशान कट बना होता है और इसके अंदर नीचे पीसीबी में कट सेम बना होता है, वैसे के वैसे ही लगानी होती है आईसी को। अच्छी तरह से लगा दी। लगाने के बाद में अभी हमें बैटरी वायर वापस लगानी होगी। बैटरी वायर लगा दी है, अभी इसका फैन बंद हो गया जैसे चला है वैसे बैटरी वायर लगाते ही। अभी आगे से इन्वर्टर ऑन हो गया है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अभी इसके अंदर पीछे से आउटपुट चेक करेंगे। ये अभी आउटपुट लगा दी, आउटपुट चलनी स्टार्ट हो गई है, पीछे आउटपुट लगा दी। अभी इसके अंदर लोड चेक करेंगे, लोड भी सही चलने लग गया है। वोल्टेज 210 वोल्टेज आ रहे हैं अभी देख सकते हो आप। अभी इसके अंदर मेन देख के चेक करेंगे, सीरीज के अंदर मेन इसने उठा ली, मेन चार्जिंग भी कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हम सीरीज से हटा के मेन पे पूरा देखते चेक करेंगे भी वोल्टेज वगैरह एम्पीयर वगैरह कितना आ रहा है। बारह पॉइंट नौ एम्पीयर से चार्जिंग कर रहा है, बढ़िया तरीके से चार्जिंग कर रहा है। अभी ये इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आपको हर तरीके से सहायता मिलेगी। ओके दोस्तों।